तो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निक एंड फ्रेंड। एक्चुअली वन एड में एक और न्यू प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। जी दोस्तों, वो प्रॉब्लम एटलीस्ट मेरे साथ ही नहीं, आप सभी के साथ घट चुकी है। जी दोस्तों, तो उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, उस प्रॉब्लम से जो है आपको कैसे बच सकते हैं। जी फ्रेंड, इस वीडियो में आपको वही सारी चीज़ें बताऊँगा। इसके लिए फ्रेंड मैं चलना होगा मेरी फ़ोन की स्क्रीन पर, क्योंकि मैं जो है आपको वही सारी चीज़ें समझा सकता हूँ। जी दोस्तों, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर आप वन एड एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, उसे अर्निंग करते हैं, तो फ्रेंड ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड इस प्रॉब्लम का जो है आपको सॉल्यूशन ढूंढना ही होगा। जी फ्रेंड, तो आप मैं इस वीडियो में आपको जो है उस प्रॉब्लम का बिल्कुल सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप जो है उस प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं। तो मैं चलता हूँ अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर और मैं जो है आपको वही सारी चीज़ें बताता हूँ। तो हम चलते हैं हमारी फ़ोन की स्क्रीन पर। तो मैं आ चुका हूं अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे। अब फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम क्या है वन एड में। तो सबसे पहले आप फ्रेंड अगर वन एड ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद में जब आप देखेंगे आपका वन एड बैलेंस, जी फ्रेंड, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जी फ्रेंड, आप अपने पैसों का अगर विड्रॉल लगाने के लिए अगर क्लिक करेंगे, मान ली पेटीएम अगर विड्रॉल करते हैं, बैंक में विड्रॉल करते हैं या फिर रिचार्ज करते हैं, तो इन तीनों में समस्या आ रही है। जी फ्रेंड, फिर मैं रिडीम के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैं रिडीम के ऊपर क्लिक करूँगा तो मान लीजिए मुझे अभी जो है पेटीएम में 25 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं, तो मैं पेटीएम के ऊपर क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पर अमाउंट डालूँगा 25 रुपये और मैं यहाँ पर अपने जो है वन एड के पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो फ्रेंड आप यहां पर देख सकते हैं मैंने अपने जो है वन एड के पासवर्ड एंटर कर दिए। इसके बाद मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो फ्रेंड आपके पास यहां पर कंफर्मेशन आएगी कि आप अपने पैसों को जो है पेटीएम में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या नहीं। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया और मैं कैश आउट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं कैश आउट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो फ्रेंड आप ये देखिए फ्रेंड, ये एक समस्या आई है वन एड में, पैन कार्ड डिटेल। जी फ्रेंड, सबसे पहले आप जो है अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद में पैन कार्ड की जो है इमेज आपको अपलोड करनी होगी, एड्रेस प्रूफ यानी कि वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास हो उसकी फ़ोटो अपलोड करनी होगी। और फिर आप आई एग्री के ऊपर टर्म एंड कंडीशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, फिर आप सबमिट करेंगे, तब ये अप्रूवल करेगा कि ये सही है या नहीं है। जी फ्रेंड, तब जो है आपका 25 रुपये आपके पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। जी फ्रेंड, ये केवल पेटीएम अकाउंट में ही नहीं, आप अगर 25 रुपये पेटीएम भेजते हैं तभी ये दिक्कत नहीं आ रही, अगर आप बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तभी भी ये दिक्कत आ रही है, या फिर अगर आप रिचार्ज करते हैं तभी भी ये दिक्कत आ रही है। जी फ्रेंड, तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है। इसका मतलब आपको ये सारी चीज़ें अब इसमें देनी होगी, तभी जो है आप अपने पैसों को पेटीएम या बैंक अकाउंट में या फिर आप जो है रिचार्ज कर पाएंगे। जी फ्रेंड, तो अब फ्रेंड आपको क्या करें। तो फ्रेंड अगर आप अपने पेटीएम अकाउंट में या फिर बैंक अकाउंट में अगर पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो पहले ये सारी चीज़ें आपको जो है फिल करनी होगी, तभी जो है आप अपने बैंक अकाउंट में, पेटीएम अकाउंट में या फिर आप जो है इस वन एड एप्लीकेशन से रिचार्ज कर पाएंगे। जी फ्रेंड, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर डाल देना है, फ़ोटो अपलोड कर देनी है, ये आपके पास आधार कार्ड, वोटर आई डी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासवर्ड जो भी हो उसकी फ़ोटो अपलोड कर देनी है, और फिर आपको जो है सबमिट के ऊपर क्लिक करके इसे सबमिट कर देना है। जी फ्रेंड, तभी आप जो है अपने पैसे पेटीएम अकाउंट में, बैंक अकाउंट में या फिर आप जो है इसे रिचार्ज कर पाएंगे। जी फ्रेंड, तो यही इसमें समस्या थी और यही इसका जो है सॉल्व है। जी फ्रेंड, तो फ्रेंड आप सब समझ चुके होंगे कि मैं जो है इस वन एड में क्या दिक्कत थी और इसका जो है क्या सॉल्यूशन है। तो मैंने आपको जो है सारी चीज़ें समझा दी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निक को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड। एंड फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।